दोस्तों, जैव ईंधनों के दहन से उत्पन्न CO2 जैसे प्रदूषकों से निपटना एक चुनौती भरा काम है। स्वच्छ ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा एक पर्याय है, पर क्या हो यदि हम वातावरण में मौजूद कार्बन का उपयोग केरोसिन और डीजल जैसे जैव ईंधन बनाने में करें। अब रिसर्चर्स द्वारा बनाए गए इस सौर ऊर्जा संचालित रिएक्टर को देखिए। यहाँ पर 179 सोलर रिफ्लेक्टर्स का उपयोग कर सौर किरणों को परावर्तित करके 15 मीटर ऊंचे टॉवर के ऊपरी हिस्से पर फोकस किया जाता है। फोकस किया गया सौर रेडिएशन 2500 गुना ज्यादा चमकदार है, जो रिएक्टर में मौजूद CO2 वाटर वेपर के मिश्रण को केरोसिन और डीजल जैसे ईंधनों में बदल देता है। रिएक्टर तक सूर्य प्रकाश पहुंचाने के लिए एक विंडो है तथा CO2 और वाटर वेपर की आपूर्ति के लिए एक पोर्ट बना हुआ है। उपर्युक्त पदार्थों की रिएक्शन को कैटेलाइज यानी उत्प्रेरित करवाने के लिए एक विशेष मटेरियल का उपयोग किया गया है, जिसका नाम पोरस सीरिया है, जो एक ढांचे की तरह दिखता है। पोरस सीरिया में रखे गए CO2 और वाटर वेपर क्रमशः हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाते हैं। नए बने इन गैसों के मिश्रण को साइन गैस कहा जाता है। केरोसिन और डीजल बनने की प्रक्रिया अभी बाकी है। साइन गैस के मिश्रण को टॉवर के नीचे लगी मशीन तक पहुंचाया जाता है। यह मशीन साइन गैस को केरोसिन और डीजल जैसे जैव ईंधनों में बदल देती है, जिनका उपयोग जेट फ्यूल के तौर पर किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के तहत तैयार किए गए केरोसिन और डीजल के दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा उतनी ही होगी जितनी मात्रा का उपयोग साइन गैस को बनाने में किया गया था। इस तरह से यह एक कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स होगा। तो यह नवीनतम शोध कार्य आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।